डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल, एक शहर का ऐसा नाम जो प्रदेश में ही नहीं देश में ख्याति प्राप्त है। चिकित्सक डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल का जन्म 12 फरवरी 1961 को पोलाय कला में हुआ। आरंभिक शिक्षा शाजापुर में, चिकित्सा विज्ञान में रुचि, मेडिकल की पढ़ाई गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से, 1990 में MBBS की डिग्री, उसके बाद प्रैक्टिस, 18 महीने सरकारी सेवाएँ देखने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस। डॉक्टर पालीवाल लगभग 35,000 सफलतापूर्वक सर्जरी कर चुके हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा को ध्येय वाक्य बनाकर आप लोगों का इलाज करते हैं। सामाजिक कार्यों के लिए आपने सामाजिक संगठन परिकल्पना को खड़ा किया। गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप के बाद आपने जो सेवा कार्य किए उसके लिए आपको रेड एंड वाइट राष्ट्रीय गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। कई सम्मान और पुरस्कार पा चुके डॉक्टर पालीवाल APMP के पूर्व अध्यक्ष होने के साथ राज्य नर्सिंग होम एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष भी हैं। आइए उनसे रूबरू होते हैं। इस आयोजन की रूपरेखा, अनुराग जी के राग तो बहुत निराले हैं। मैं अनुराग जी को सबसे पहले, क्योंकि वो इस कार्यक्रम के आधार स्तंभ हैं, और शेफाली जी, मैं दोनों आधार स्तंभों को स्वागत करता हूँ। और उसके बाद मंचासीन हमारे माननीय अनुराग जी जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। और कमल भैया के बारे में और अरविंद भैया के बारे में मैं क्या कहूं? जिस शख्सियत ने मुझे चिकित्सक बनने के लिए प्रेरणा दी, वो शख्सियत थे माननीय शालिग्राम जी तोमर, जो आज इस समय नहीं है। मैं और माननीय अरविंद भैया और माननीय कमल भैया, हम तीनों यदि उनके शिष्य हैं तो रिश्ते से गुरु भाई हुए। मैं दोनों भाइयों को बहुत आदर, बहुत अभिवादन, बहुत प्रणाम करता हूं। और निश्चित तौर पर एक चिकित्सक होने के नाते मैं यही कहूंगा कि यही एक ऐसा पेशा है जिसमें चिकित्सक सेवक होता है, लेकिन उस परवरदिगार ने, उस ईश्वर ने, उस दाता ने, उस दरबार ने उसको मालिक की कुर्सी पर बिठाया है। एक सेवक के नाते, एक चिकित्सक के नाते हम जो कुछ कर सकते हैं करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में निश्चित तौर पर हमारे क्षत्रप के रूप में अरविंद जी का और माननीय कंवल जी का, माननीय अनुराग जी का, इन सब का अनुराग मिलता रहता है। शरद जी का शारदीय व्यक्तित्व हमारे साथ रहता है, अरविंद जी की हमेशा प्रेरणा साथ रहती है, आरिफ भाई का हमेशा एक आभामंडल व्यक्तित्व साथ रहता है, और अन्यान्य धूमकेतु जी जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है। बहुत सारे सभी परिचित हैं। समय सीमा में होने के कारण मैं सबसे अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और इस चिकित्सा पेशे के बारे में सिर्फ एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि ये दर्द से भरा, आंसुओं की सेवा के लिए पेशा होता है। और आंसुओं के बारे में किसी शायर ने खूब कहा है, बस वही आपसे साझा करके वाणी को विराम दूंगा। शबे गम के आंसुओं की बस इतनी कहानी है, शबे गम के आंसुओं की बस इतनी कहानी है, अटक गया तो मोती और टपक गया तो पानी है। बस इसी मोती को हम नहीं टपकने दें, यही हमारी प्रतिज्ञा है, यही हमारी प्रेरणा है, यही हमारा आधार है, यही हमारा व्यवसाय है, यही हमारा कारोबार है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर पालीवाल जी। देखिए, दखल ने जो एक बहुत अच्छी पहल की है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि ये दखल की बहुत ठोस पहल है। और दखल की ये जो ठोस पहल है, निश्चित तौर पर दखल न्यूज़ जिस तरह के सकारात्मक काम कर रहा है, या जिस तरह के दखल समूह सकारात्मक कार्य कर रहा है, ये अवार्ड हम लोगों के लिए एक तरह से देखा जाए तो हमारा सौभाग्य नहीं है। ये अवार्ड हमारे लिए सौभाग्य का विषय नहीं, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि दखल ने एक नैतिक प्राकृतिक चयन के साथ साथ हम लोगों को बुलाया। हम लोग तो प्रतीक मात्र हैं। निश्चित तौर पर आज जिस तरह की हस्तियों को दखल ने सम्मानित किया, उससे देखकर मुझे लगता है कि दखल के पास निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी दिव्य दृष्टि है, एक दृष्टिकोण है, एक विचारधारा है, एक निष्पक्ष रवैया है, और समाज के प्रति जो दायित्व निभा रहे हैं, उस दायित्व, समाज के प्रति निभाते हुए दायित्व को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी भावनाओं को प्रणाम करता हूँ। उनकी अपेक्षाएँ ईश्वर सदैव सदैव पूरी करें, ऐसी अपेक्षाएँ, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ दखल समूह को देता हूँ।